नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आया हूँ। दोस्तों, क्या आपने सीटी स्कैन और एमआरआई के बारे में सुना है? और अगर आपने सुना है तो क्या आप जानते हैं कि इस दोनों टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? ये दोनों टेस्ट के डिवाइसेस देखने में तो बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर में ये दोनों टेस्ट में फ़र्क है क्या? तो आज मैं आपको इन दोनों टेस्ट में फ़र्क क्या है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर हम सीटी स्कैन और एमआरआई की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोनों टेस्ट एक ही जैसे मशीन में नहीं किए जाते। ये दो अलग मशीन होते हैं, हालांकि बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये अलग हैं। ये दोनों मशीनों का काम अलग है, साथ में इसके टेस्ट का तरीका भी अलग ही है। दोस्तों, अगर हम एमआरआई की बात करते हैं तो एमआरआई में हमारे शरीर के अंदर की फोटोज़ को लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये खास तरीके के बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा कारगर है उसका पता लगाने के लिए। जैसे कि आपके ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी है, ऐसे कंडीशंस में ये काफ़ी ज़्यादा एमआरआई कारीगर है। एमआरआई में एक स्कैनर की एक बड़ी ट्यूब होती है और ये ट्यूब पावरफुल मैग्नेट से बनी होती है। उस ट्यूब के अंदर इंसान को लेटाया जाता है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर इंसान के अंदर की कोई सी भी चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीक तरीके से जाँच की जाती है। अब दोस्तों, अगर हम सीटी स्कैन की अगर बात करते हैं तो सीटी स्कैन एक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन है। सीटी स्कैन का मतलब है किसी भी छोटे से छोटे पार्ट को काट कर उसकी पूरी तरीके से प्रॉपर बड़ा कर उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते हैं। ये एक तरीके का थ्री डायमेंशनल एक्सरे है। सीटी स्कैन में कंप्यूटराइज और एक्सरे की मदद से स्कैन किया जाता है, जो क्रॉस सेक्शन तस्वीरें बनाता है, जिसकी मदद से आसानी से छोटी शरीर के गड़बड़ी को प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके उसके बारे में देखा जा सकता है। ये तो दोस्तों हमने जाना कि सीटी स्कैन और एमआरआई आखिर में है क्या। अब जान लेते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों, अगर हम एमआरआई की बात करते हैं तो एमआरआई में रेडियो वेव्स की मदद से काम ली जाती है। वही अगर हम सीटी स्कैन की बात करें तो सीटी स्कैन में एक्सरे की मदद से काम लिया जाता है। वहीं अगर एमआरआई की बात करते हैं तो एमआरआई काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है, तो ऐसे कंडीशन पे पेशेंट को ईयरबड या फिर हेडफोन दिया जाती है जाके उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके कंपेयर में अगर हम सीटी स्कैन की बात करें तो सीटी स्कैन पूरी तरीके से शांत रहता है, उतनी आवाज़ नहीं होती जितनी कि एमआरआई में होती है। और दुनिया भर में एमआरआई के कंपेयर में सीटी स्कैन बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, और इसका रीज़न ये है क्योंकि एमआरआई का जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा है। एमआरआई कंपेयर सीटी स्कैन के काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इसलिए ज़्यादातर लोग एमआरआई के कंपेयर में सीटी स्कैन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमआरआई में पावरफुल मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे कंडीशन में अगर आप लेटे हुए हैं और गलती से अगर कोई भी ऐसी धातु वाली चीज़ या फिर कोई मेटल की चीज़ अगर आपको उसके प्रोमाइसिस में अगर आजू बाजू अगर पड़ी रहेगी तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट की जान जा सकती है। लेकिन सीटी स्कैन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप फ़ोन ले जा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए दोस्तों, एमआरआई करने के टाइम पेशेंट को बोला जाता है कि कोई भी ज्वेलरी या फिर कोई भी मेटल वाले चीज़ अगर वो पहना है तो वो निकाल दे। इसके अलावा दोस्तों, अगर सीटी स्कैन की बात करेंगे तो सीटी स्कैन में गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक्सरे होता है, ऐसे में होने वाले बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में दोस्तों, निकलने वाले रेडिएशन कैंसर का भी आपको शिकार भविष्य में दे सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको पता चल गया होगा कि एमआरआई और सीटी स्कैन में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट टाइम से दोस्तों, अगर आपको एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए अगर कोई बोले तो आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।